Assalamu alaikum, good morning students, how are you all? I hope you are all good. I am your Urdu teacher. Let's start our topic today. Good dear students, today we will do book page number 11. Yes, now focus at the whiteboard. Our topic is jin haroof ki aadhi shakal nahi hoti. Aaj ka hamara unwaan hai jin haroof ki aadhi ashkal yani ki choti ashkal nahi hoti. Jaise main aapko board pe likh ke dikhati hu. जैसे हम चे होता है इसकी आधी शक्ल होती है, बिल्कुल इसकी आधी शक्ल होती है, लेकिन तोए की आधी शक्ल नहीं होती, बे की आधी शक्ल होती है लेकिन दाल की आधी शक्ल नहीं होती. यानी के अलिफ बे में हरूफे तहजी में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनके आदि अशकाल जिनकी नहीं होती हैं, और आज हम वो अल्फाज को ज़हन नशीन करेंगे, अच्छी तरह से याद करेंगे. लुक एट द वाइट बोर्ड. जिन हरूफ की आदि शक्ल नहीं होती उनमें कौन से हरूफ आते हैं? अलिफ, दाल, दाल, जाल, यानी कि दाल की फैमिली, और रे की फैमिली, रे, अड़े, जे, ये. उसके बाद तोए की फैमिली यानी कि तोए के दोनों हरूफ तोए जोए, और लास्ट में आएगा वाव. ओके डियर स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट द हरूफ. ये उन हरूफ के बारे में आपको बताया गया जिनकी आदि अशकाल नहीं होती. डियर स्टूडेंट्स, आदि शक्ल के जिनकी आदि अशकाल नहीं होती उन हरूफ को हमने अच्छे से लर्न कर लिया है. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप पेज नंबर 11 पे जब देखेंगे तो उसी के नीचे आपका उन्वान है शरारती हरूफ. जी बिल्कुल, शरारती हरूफ. जैसे स्टूडेंट्स और किड्स नोटी होते हैं ना, ऐसे हरूफ भी कुछ शरारती हैं. शरारती हरूफ का मतलब ये होता है कि वो हरूफ जो किसी भी हर्फ के साथ जुड़ते नहीं है और अपने बाद आने वाले हरूफ को अपने साथ जोड़ते भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, अलिफ, नून अलिफ, रे, अनार. अब आप देखें ये जो रे है ये अलिफ, नून अलिफ, रे, नून अलिफ, रे, अनार के साथ जुड़ा नहीं हुआ, नहीं जुड़ा हुआ ना, यानी कि इसने जब एंड किया अपने आप को किसी के साथ जोड़ा नहीं है. जब ये एंड होते हैं, जब ये खत्म होते हैं तो किसी भी दूसरे हर्फ को, हरूफ तहजी के अल्फाज को अपने साथ जोड़ते नहीं है. जैसे हम लिखते हैं दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, क्या बना? दा दा. अब ये देखें ये अपने साथ किसी हरूफ को जोड़ नहीं रही. जोड़ने का मतलब ये होता है कि आधी शक्ल को, जैसे हरूफ की आदि शक्ल होती है उनको किसी के साथ भी जोड़ देना, ये इसको जोड़ना बोलते हैं, जबकि ये किसी को अपने साथ जोड़ते नहीं है हरूफ, शरारती हरूफ. अब हमने इन्हीं हरूफ पे फोकस करना है, इन्हीं हरूफ को हमने देखना है और इनको देखने के बाद शरारती हरूफ यहाँ पे राइट करने हैं. अब देखिए सबसे पहले कौन सा हर्फ है? अलिफ. अलिफ किसी भी हरूफ के साथ जो एंड पे अपने आप को जोड़ता है, नहीं जोड़ता ना, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे? शरारती हरूफ में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अलिफ. जैसे दा दा, अब ये लिखे एंड पे दाल अलिफ दा, दाल अलिफ दा, दा दा, ठीक है, ये जुड़ा हुआ नहीं जुड़ा हुआ. ऐसे एक और लफ्ज है, सब्जी है, अदरक. अलिफ भी अलहदा है, दाल भी अलहदा है, रे की फैमिली भी अलहदा है, ठीक है. इन्होंने इसके साथ अपने आप को किसी को जोड़ा नहीं हुआ, पहले से पीछे से हरूफ को लेके चल रहे हैं. तो उसके बाद हम क्या राइट करेंगे? दाल. उसके बाद दाल, जार, रे, अड़े, जे, ये. ओके डियर स्टूडेंट्स, इट इज ऑल अबाउट शरारती हरूफ, अलिफ, दाल, दाल, जाल, रे, अड़े, जे, ये एंड वाव. आफ्टर दैट उसके नीचे आप अपने बुक पेज नंबर 11 पे देखें तो अलिफ से कोई सा भी आपने फल बनाना, टीचर का फेवरेट फ्रूट, टीचर का जो फेवरेट फल है वो अंगूर है तो मैंने अंगूर बनाया. आप अनार भी बना सकते हैं और अनानास भी बना सकते हैं. नाउ लुक एट योर बुक पेज 11. वैसे ही आपने डेट, डे और जिन का आपका राइट करना है, और उसके बाद इसको वीडियो को देखते हुए फॉलो करते हुए इस पेज को डन करना है. ओके डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम एंड ओबे योर पेरेंट्स. अल्लाह हाफिज़.